भारत में जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नता है, इस बारे में हमने पिछली कक्षा में परिचर्चा की थी, जब हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो इंट्रोडक्शन के तहत हमने पढ़ा था। तो जो ऋतु है, ऋतु के अनुसार जो है विभिन्नता पाई जाती है, जिसमें मौसम की विभिन्नता ऋतुओं की दशाओं के अनुसार स्पष्ट होती है, जो निम्नलिखित हैं। एक पहली जो कंडीशन है वो है हमारा ग्रीष्मकाल की ऋतु। ग्रीष्मकाल में जो मौसमी दशाएं आती है वो कैसी होती है। अब मार्च का जो मध्य है, मार्च का जो महीना है, मार्च के महीने से लेकर मध्य जून तक भारत में ग्रीष्मकाल माना जाता है। हालांकि इसमें भी क्षेत्रीय विभिन्नता है, जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर तो जून या जुलाई तक भी जो है अच्छी गर्मी पड़ती है, जब तक कि मानसून नहीं आ जाता। तो लेकिन औसत में अगर हम भारत का वर्ष भर में देखें तो मार्च के महीने से लेकर जून के महीने में ग्रीष्मकाल माना जाता है। इस समय सूर्य की जो स्थिति है पृथ्वी के संदर्भ में उत्तरायण में होती है, और सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसके फलस्वरूप तापमान बढ़ावा मिलता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फारस और मध्य एशिया में जो है उच्च तापमान तथा न्यून भार का क्षेत्र बन जाता है। अब ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भारत में जो तापमान है मई का जो है औसत दिया हुआ है। इसमें आप देखो कि दक्षिण से अगर हम शुरू होते हैं तो एक जो रेखा हमें दिख रही है, काल्पनिक रेखा, जिसे हम आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म क्या होती है? आइसोथर्म होती है सम ताप की रेखाएं, जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब ये जो रेखा है तमिलनाडु का दक्षिणी भाग से होते हुए केरला का और तमिलनाडु का बॉर्डर टच करते हुए बेंगलुरु से होते हुए और ये महाराष्ट्र के मुंबई तक जाती है। तो ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इससे कम तापमान जो है हमें इसके पूर्व में मिलता है, सॉरी पश्चिम में मिलता है, और अधिक तापमान इसके पश्चिम में मिलता है। अधिक तापमान जो है नेक्स्ट आइसोथर्म बनी हुई है 35 डिग्री। ये समताप रेखाएं मैंने बताया काल्पनिक रेखाएं हैं, जो समान ताप के क्षेत्रों को जोड़ती है। तो इसके बाद हम देखो मैप रीडिंग, इससे आप हमको समझ में आएगी भाई हम क्लाइमेट का जो डेटा है वो मैप से कैसे जान सकते हैं। तो अब तुम देखोगे यहाँ 35 डिग्री सेंटीग्रेड की एक रेखा बनी हुई है, जो जहाँ चेन्नई लिखा हुआ है दक्षिण में, चेन्नई से होते हुए ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड की रेखा बेंगलुरु का बॉर्डर जो क्रॉस करते हुए, और ये मुंबई होते हुए जाती जाती कहाँ जो कच्छ और सौराष्ट्र है वहाँ तक ये रेखा जो जा रही है। तो 35 डिग्री से 32 डिग्री का भाग ये है। अब ये तो तुम जान ही गए होगे कि भाई जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर औसत तापमान जो है 32 डिग्री बना रहता है, 32, 35, फिर 37। ये जैसे जैसे हम जो महाद्वीपीय भाग, जो अपना सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप है, उसके जो बीच के क्षेत्र हैं वहाँ तक जब हम पहुँचते हैं, मतलब जो समुद्र से हम दूरी जैसे जैसे बढ़ती है तो ये तापमान जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और महाराष्ट्र का नागपुर का मध्य का भाग तुम देखो, यहाँ तापमान और भी तुमको अधिक मिलेगा, ये 37 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच का भाग पड़ रहा है ये। और नागपुर तो हालांकि इससे भी अधिक है, जहाँ पर औसत तापमान जो है वो 45 डिग्री सॉरी 40.5 डिग्री जो सेंटीग्रेड की जो समताप रेखा है उसके बीच में आ रहा है। नागपुर, रायपुर, भोपाल, जयपुर, ये वाले जो तुम्हें मैप के अंदर दिख रहे हैं, लखनऊ का बॉर्डर वाला एरिया, ये सारे जो क्षेत्र है जो इंटर कॉन्टिनेंटल पार्ट, इंटर सब कॉन्टिनेंटल पार्ट है, वहाँ पर तापमान हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अरब सागर के समीप का जो क्षेत्र है उसमें तापमान कम है। फिर तुम अगर पूर्व की साइड में देखो, जहाँ बंगाली खाड़ी लिखा हुआ है, बंगाली खाड़ी के पास में जो न्यूनतम समताप रेखा जो है वो आ रही है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जहाँ कोलकाता लिखा हुआ है, देखा, कोलकाता के पास तुम देखो 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो क्षेत्र है वह इम्फाल और इस क्षेत्र के आसपास पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये हिमालय पर्वत भाग आ गया। तो यहाँ पर तापमान जो है जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है, मैंने तुमको पहले भी सिखाया है भाई, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान जो है धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जो क्योंकि हमारी नॉर्मल लैप स्टेट काम करती है। यहाँ पे जो प्रति 1000 मीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान का ह्रास होता जाता है। तो इस कारण से जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें तापमान जो है कम ही मिलेगा। ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड की तुमने रेखा देखी, और फिर ये 32 डिग्री, फिर 35 डिग्री 37 डिग्री, पूर्वी भाग की बात कर रहा हूँ मैं, 32 डिग्री 35 डिग्री भुवनेश्वर, रांची, पटना,
तो ये इनका औसत तापमान 30 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रहता है। तो ये हमारा पूर्वी भाग हो गया, और पश्चिमी भाग में जो हमने देखा विभिन्नता, और हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल पार्ट है वहाँ पर तापमान कैसा बना रहता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा तापमान क्यों बन जाता है ऐसा इतना अधिक, ये हम देखते हैं कि एक होती है ITCZ रेखा। ITCZ रेखा जिसको हम बोलते हैं अंतःउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये होती है ITCZ, जो तुमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि भाई तुमको आप 2 साल हो गए होंगे, इसलिए ये ITCZ के बारे में तुम हो सकता है भूल गए हो, तो मैं रिवाइज कराने के हिसाब से, जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल यानी जो भूमध्य रेखा जो हमारी है, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, उधर जो हवाएं हैं दक्षिण से, दक्षिणी गोलार्ध से और उत्तरी गोलार्ध से आके उनका अभिसरण होता है, मतलब वो एक जगह आके नीचे मिलती है क्षैतिज रूप में, जिसको हम व्यापारिक पवनों को नाम जानते हैं। व्यापारिक पवनें जो है चलती है ट्रेड विंड्स, और वो आके मिलती कहाँ है, हमारे विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, और यहाँ जो है हवाएं जो है फिर धीरे धीरे ऊपर उठती है। तो एक सेल बनता है जो, जिसको हमने हेडली सेल के नाम से जाना था शुरू में, अभी तो सारा रिवाइज करना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन तो मैं रिकैपिटुलेशन के लिए मैं बता दूं कि ये जहाँ व्यापारिक पवनें जहाँ मिलती है उसको हम ITCZ रेखा बोलते हैं। तो ये व्यापारिक पवनों की जो ग्रीष्म ऋतु जो होती है, वो ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा उपमहाद्वीपीय भाग है, ये ITCZ रेखा जो है उसमें उत्तर की तरफ खिसक जाती है। ये कन्वर्जेंस जोन जो है वो उत्तर की तरफ खिसक जाती है, और ये जाके जो है हमारा जहाँ से मैदानी भाग है वहाँ तक ये पहुँच जाती है। तो इस कारण से व्यापारिक पवनें जो दक्षिण से हवाएं जो है वो है दक्षिण पश्चिमी दिशा से हमें भारत की प्रायद्वीपीय पठार की तरफ चलनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वायुदाब जो है निम्न बनता जा रहा है। वायुदाब निम्न कब होगा, जब तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक क्यों है, क्योंकि ये हमारा इस समय उत्तरायण का समय है, समर सोल्स्टिस है, सूर्य की रेखा जो सीधी है कर्क रेखा पर इस समय पड़ती है, तो इस कारण से तापमान अत्यधिक बन जाता है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र। अब वायुदाब कैसे वितरण होगा, तापमान का तो हमने देख लिया, वायुदाब का वितरण जो है इस अगले चित्र में देखते हैं, जिसमें समदाब रेखाएं और पवने जुलाई की, ये इन दोनों का एक मैंने मैप तुम्हारे चित्र में सामने तुमको दिख रहा होगा। इस मैप में तुम देखो वायुदाब जो है दक्षिण में, जहाँ कन्याकुमारी लिखा हुआ है, एकदम दक्षिणी बिंदु जो है भारत के मुख्य द्वीप का, मुख्य उपमहाद्वीप का कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के पास में तुम देखो वहाँ पर लिखा हुआ 1010, मतलब 1010 ये मिलीबार में नापते हैं वायुदाब MB। तो जो MB 1010 है वो उसके दक्षिण में जो है वायुदाब अधिक है, और जैसे जैसे हम धीरे धीरे कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो वायुदाब जो है कम होता जा रहा है। अब कम होने के कारण गर्म हवाएं हल्की होती है और अपेक्षाकृत लंबवत रूप से आसमान की तरफ उठती है, ऊपर की ओर उठती है, तो ये जो वायु जो है कम हो जाती है, क्योंकि हल्की होने के कारण ऊपर उठ चुकी है, तो हमारे जो धरातल पर हमें जो है वायुदाब हमें कम मिलेगा, और इसको भरने के लिए, इस जो वैक्यूम की स्थिति, निर्वात की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है उसको भरने के लिए हवा की दिशा कहाँ से होती है, दक्षिण से, दक्षिण पश्चिम की दिशा से हवाएं चलनी शुरू हो जाती है। तुम देखो साउथ वेस्ट से तुम्हें एरोज बने हुए दिख रहे होंगे, तो साउथ वेस्ट से विंड जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हवाएं चल रही है, ये वायुदाब के ग्रेडियंट के कारण है। वायुदाब जहाँ कम होगा वहाँ पर हवाएं क्षैतिज रूप से उसको भरने के लिए चलेगी। जैसे तुम बाल्टी में से मग्गा भरते हो पानी का, तो जो पानी तुमने निकाला है उसको उसी जगह जो खाली हुई है उसको भरने के लिए कौन सी आसपास का पानी आ जाता है, ठीक वही प्रोसेस जो है इस हवा में भी चलता है। तो तुम देखोगे कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है और इसको भरने के लिए आसपास से हवाएं जो है इसकी तरफ अभिसरित हो रही है। तो ये हमारा जुलाई का महीना जो है एक तरीके से पीक ऑफ टेम्परेचर हो गया पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। यहाँ पर पीक टेम्परेचर देखने को मिलते हैं मई जून जुलाई
तो ये इस समय में हवाएं जो है इसकी दिशा में परिवर्तन होता है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र तुम देखो सबसे कम वायुदाब निम्न वायुदाब जहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान का बॉर्डर का एरिया देखो 997 996 ये जो एरिया है पश्चिमी राजस्थान का यहाँ पर बहुत ही कम दाब हो जाता है और इस कारण से हवाएं जो है इस तरफ आनी शुरू हो जाती है। तो हमने तापमान वायुदाब और हवाओं की गति और दिशा इसके बारे में हमने जाना किस ऋतु के लिए ग्रीष्म ऋतु के लिए। अब ग्रीष्म ऋतु में कुछ लोकल चीज़ें भी है जिसको हम जान लें। एक तो मैंने आपको ITCZ के बारे में समझाया, एक जो दूसरी बात है एक लोकली जो हम देखते हैं वेरिएशन वो पश्चिमी राजस्थान में लू, सबने नाम सुना होगा लू का मतलब होता है जब हवाएं एकदम शुष्क और जिसका तापमान 45 डिग्री से अधिक हो और शुष्क हो ऐसी हवाएं जब चलती है उसको हम लू के नाम से जानते हैं। ये बहुत अत्यधिक गर्मी लाती है और इसके पीछे पीछे जो है कभी कभी पश्चिमी राजस्थान में तेज़ आंधी आती है, आंधी के साथ में कुछ कुछ हल्की बूंदाबांदी होती है या तूफानी वर्षा भी हो जाती है कभी कभी। तो ये वर्षा जो है इसको वैशाखी भी के नाम से भी जानते हैं, बंगाल का काल के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग इनके नाम दिए हुए हैं और आम 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 की बौछार के नाम से जानते हैं, चाय वृष्टि के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग इनको नाम दिए हुए हैं। इन छोटे छोटे जो तूफान उठते हैं कभी इनकी तीव्रता बहुत अत्यधिक भी हो जाती है लेकिन आंधियाँ जो चलती है वो इस निम्न वायुदाब के कारण लोकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसको हम इन अलग अलग नामों के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में मैंने आपको बताया, अगली कक्षा में हम आपको शीत ऋतु के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करें पुस्तक से और इन मानचित्रों को कॉपी में बनाने की चेष्टा करें जिससे आपको प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जैसा कहा गया। तो तुम प्रैक्टिस भी करो, इन मानचित्रों को बनाने की कोशिश करो और नोट्स बनाओ साथ के साथ, ये आपके लिए आगे चलकर लाभदायक होंगे जब आप कंपटीशन में आगे उतरोगे। और कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।